अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमारे पास रूट्स गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। अब हमारे पास रूट है 1.5, एस इक्वल टू सम ऑफ रूट्स और पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो फाइंड करेंगे। और हमारे पास एक इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। इसके थ्रू हमने क्या करना है, एस और पी फाइंड करना है, मीन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, 1 + 5 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स। सम का ही मतलब क्या है कि रूट्स को ऐड कर देना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या, एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, एस और पी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी पार्ट है हमारे पास, इसमें 1 + iota और 1 - iota ये हमारे पास रूट्स हैं। जब सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया तो हमारे पास 2 आ गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किया तो 1 + iota इंटू 1 - iota मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का होल स्केयर माइनस आयोटा का होल स्केयर। 1 - iota स्केयर किसके इक्वल होते हैं, -1 के, तो 1 + 1 2 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में हमने एस और पी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें अल्फा बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं और फ्रॉम इक्वेशन हूज रूट्स आर, इनके रूट्स कौन से, 2 α + 1 2 β + 1। अब गिवन इक्वेशन है हमारे पास सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इस इक्वेशन की रूट फाइंड कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू अल्फा बीटा c/a, तो इस इक्वेशन के हमारे पास आगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ द रूट्स इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास है ए पार्ट, ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया इस इक्वेशन के, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने ए पार्ट इसके अकॉर्डिंग फाइंड करने हैं सम ऑफ द रूट्स। ये इतना पार्ट आपने हर क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में करना है। नेक्स्ट आपको जो ए बी सी जो भी पार्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 2 α + 1 2 β + 1, इसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है और अल्फा बीटा की क्या है 2 है, वो पुट कर दी तो सम ऑफ द रूट्स क्या के 8। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाते हैं। मल्टीप्लाई किया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो इसमें पुट कर दी तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या के 31। अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या है, एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, एस और पी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमने क्या करना है कि इनके रूट्स आप फाइंड करने हैं, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा के। एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया हमने। अब हमारे पास हमने बी पार्ट लिया, इसमें सम ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका सम ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का। उसके बाद सम लिया, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 α β। यहाँ से हमने अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इस तरफ रहने दिया, बाकी टर्म लेफ्ट साइड पे लेके वो यहाँ पर पुट कर दी। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी गिवन इक्वेशन से वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, पीस के माइनस 2 q/q। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 1। अब हमारे पास ये इक्वेशन है जिसमें हमने एस और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है क्यू से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू एक्स के माइनस पी के माइनस 2 q × x + q = 0। तो ये हमारे पास था रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 आपने कंप्लीट करनी है क्लास। थैंक यू।